नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज लेकर आया हूं मैं एक विशेष जानकारी लेबर कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के लिए और जो काम कराते हैं उनके लिए भी। 1200 स्क्वायर फुट छत है तो उसके लिए अपन मकान बनाते हैं तो उसकी लागत कितनी आती है? लेबर कॉस्ट आएगा अपना 360,000 रुपये, अगर 300 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में है तो। अब इसके ऊपर हम विचार करेंगे कि जैसे मान लो अगर पूरा काम आपने नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जैसे टुकड़ों में, किसी को RCC दे दी, किसी को पत्थर चुनाई दे दी, किसी को ईंट चुनाई दे दी, तो इस तरीके से अगर आपने काम दे दिया है तो उसमें आपकी कॉस्ट कितनी जो पड़ेगी वो देखना, इसमें कितने आप प्लस में रहते हो और कितना माइनस में रहते हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं RCC की। अगर RCC 1200 स्क्वायर फीट है तो उसके अंदर कॉलम, फाउंडेशन, DPC, लेंटल और छत, ये सब मिलाकर यहाँ पे 3420 स्क्वायर फीट बनेगी। इसको 45 रुपये से गुणा करेंगे तो 153,900 रुपये यहाँ पे RCC की लागत आ जाएगी। फिर बात करेंगे दो नंबर पे पत्थर चिनाई की बात करें तो इसके जो यहाँ पे जो भी वाल निकाली गई है वो मैंने आपको ये साइड में आपको दिख रही होगी ड्राइंग के ऊपर, इस तरीके की ड्राइंग है, तो इसके अंदर उन वालों की जो लंबाई है वो 290 स्क्वायर फीट होती है और इसकी गहराई कर दी हमने 6 फीट और चौड़ाई जो पत्थर चिनाई है उसकी चौड़ाई 1.5 फीट की है। हो सकता है कहीं पे 2 फीट की भी चिनाई हो लेकिन 1.5 फीट की है अपन ने यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी 2610 × 35 ये इसकी लागत हो गई 91,350 रुपये। ईंट चिनाई भी 290 फीट हो गई, क्रॉस 10 फीट, 10 फीट क्या है यहाँ पे हाइट है, तो ये हो गई 2900 और 2900 को हम 30 से गुना कर देंगे, 30 रुपये प्रति फुट के ऊपर जो खर्चा लगता है ये 87,000 रुपये यहाँ पे ईंट चिनाई का हो गया। अब बात करेंगे प्लास्टर की 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 2900 × 2 प्लास्टर इसलिए 2 है कि दोनों तरफ से प्लास्टर होता वो हो गया 5800 फीट, तो गुना 13 रुपये है प्लास्टर की लागत, तो यहाँ पे हो गई 75,400 रुपये। 5 नंबर पे बात करेंगे पेरापेट वॉल, तो वहाँ पे जैसे 40 फीट 40, ये 40 हो गई, ये 40 हो गई और ये 30 और ये 30, ये जो है ये हो गया अपना 140। अब उसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई हो गई उसकी 3 फीट, तो क्रॉस 3 से गुणा कर देंगे 420 × 25 रुपये उसका जो चिनाई की लागत पड़ती है वो, तो यहाँ पे हो गया 10,500 रुपये। नंबर 6 पे पेरापेट वाल का प्लास्टर, पेरापेट वाल का प्लास्टर करेंगे तो यहाँ पे ये अगर 420 है तो यहाँ पे 420 क्रॉस 2 दोनों तरफ प्लास्टर करना पड़ेगा, तो ये हो गया अपना 840 क्रॉस 13 10,920 रुपये। इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल क्या आएगा यहाँ पे 4,29,070 रुपये टोटल आएगा। और अपने काम की जो मजदूरी यहाँ पे टोटल हुई वो हुई 360,000 रुपये, तो हमने 360,000 रुपये इसमें से माइनस कर दिए तो 69,070 रुपये माइनस में चले गए आप। तो इस तरीके की रेट में अगर काम करते हैं तो उसके अंदर ये नुकसान होता है।